देखा जाता है जो ड्राइविंग के समय अपना फोन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय उसकी गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है। जब वो बाहर निकल कर देखता है तो उसे एक हिरन दिखाई देती है जो उसकी गाड़ी से टकरा गई थी। ड्राइवर को लगता है कि हिरन मर चुकी है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद वो हिरन काफी अजीब तरह से मूवमेंट करके उड़ जाती है और उसकी आंखें भी कुछ अलग ही दिख रही होती हैं। अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। इस आदमी का नाम वू होता है और वू का डिवोर्स हो चुका था और इसकी एक बेटी भी थी। अगले सीन में वू अपनी एक्स वाइफ से बात कर रहा होता है। उसकी एक्स वाइफ अपनी बेटी को साथ रखने की बात कर रही थी, लेकिन वू उसे मना कर देता है। फिर वो अपने घर लौटता है। वहाँ उसकी बेटी अपनी माँ से मिलने के लिए वू से जिद कर रही होती है क्योंकि अगले ही दिन उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसलिए वू को अपनी बेटी का बात मानना ही पड़ता है। वू की बेटी का नाम सोहन रहता है। सोहन की मम्मी बुसान में रहती है, इसलिए बुसान जाने के लिए वू अपनी बेटी के साथ स्टेशन चला जाता है और बुसान जाने के लिए ट्रेन में भी बैठ जाता है। और ट्रेन के निकलने से पहले ट्रेन में एक लड़की चढ़ जाती है जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं रहती। ट्रेन के चलने के बाद जब सोहन खिड़की से बाहर दिख रही होती है, उसे दिखता है कि ट्रेन के स्टेशन का माहौल कुछ ठीक नहीं है। उसे घबराहट होने लगती है, उस ट्रेन में काफी लोग सवार थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी ट्रेन स्टाफ से कहता है कि कोई आदमी बहुत देर से बाथरूम में है। ये सुनकर के ट्रेन स्टाफ बाथरूम चेक करता है तो वहाँ उसे एक आदमी दिखता है जो काफी घबराया और डरा हुआ था और वो यही कह रहा होता है कि सब मारे जाएंगे। सोहन भी वही मौजूद रहती है। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं पर उसकी हालत अब और खराब हो रही होती है। उसके बाद सोहन बाथरूम जाने लगती है पर वहाँ एक आदमी रहता है और उस आदमी का नाम होता है सांग, जिसके बाद सभी टीवी में न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था पूरे शहर की हालत खराब होती जा रही है, जिसे सुनकर के सभी यात्री काफी परेशान हो जाते हैं। अगले सीन में एक फीमेल ट्रेन स्टाफ उस लड़की की खराब हो रही हालत को देख करके अपनी टीम को कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर उसी वक्त वो लड़की अजीब सी मूवमेंट करके उठ जाती है और वो काफी अजीब लग रही होती है और वो उस पर अटैक करने की कोशिश करती है। अटैक करते करते वो बास्केटबॉल की टीम के डब्बे में आ जाती है। सब उन्हें देख करके काफी शौक हो जाते हैं और वो उसे बहुत बुरी तरह से काट देती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एक जॉम्बी होती है और उसके काटने से वो ट्रेन स्टाफ भी एक जॉम्बी बन चुकी होती है और वो दोनों अब मिलकर के वहाँ बैठे लोगों पे अटैक करते हैं और तभी सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरे डब्बे में भाग रहे होते हैं पर जॉम्बी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे होते। वो और लोगों को काटने लगती है पर इसी तरह अब इनकी संख्या बढ़ती जा रही होती है। वो वही खड़ा होता है और काफी डर जाता है। वो सोहन को उठा करके वहाँ से भागने लगता है और जॉम्बी उसे देख करके उसका पीछा करने लगते हैं। अगले सीन में सैंग ये सब देख करके हैरान होता है और उसकी बीवी भी वहीं होती है जिसका नाम संग होता है और वो प्रेग्नेंट होती है। तभी एक जॉम्बी उन दोनों पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन सैंग अपनी और अपनी पत्नी को बचा लेता है। उसकी बीवी काफी डरी हुई होती है। सैंग संग को जाने के लिए कहता है और फिर वो दोनों भाग के दूसरे डब्बे में पहुंच जाते हैं जहां सीकू और बाकी के लोग मौजूद रहते हैं और सॉन्ग फिर ट्रेन के डब्बे का दरवाजा बंद कर देता है जिससे अब जॉम्बी अंदर नहीं आ सकते और फिर वो दोनों उस दरवाजे को न्यूज़पेपर से कवर कर देते हैं ताकि जॉम्बीज उन्हें ना देख सके। वहां मौजूद सभी लोग काफी डरे हुए थे और उनके मन में यही सवाल था कि ये सब क्या और कैसे हो रहा है। और तभी वहाँ एक अनाउंसमेंट होती है कि जो कुछ भी ट्रेन में हो रहा है उस कारण ट्रेन अब स्टेशन में नहीं रुकने वाली। ये सुनकर के वहाँ सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी यूसो जो कि एक मतलबी आदमी होता है उसने कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करके ट्रेन को स्टेशन में स्टॉप करने का ऑर्डर देता है। तब ट्रेन किसी पास के स्टेशन में रुकती है मगर वहाँ का भी माहौल उनके लिए ठीक नहीं था क्योंकि वहाँ भी लोग एक एक करके जॉम्बी बनते जा रहे थे और ये देख करके वो सब लोग और डर जाते हैं। अगली सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग अपने फोन में न्यूज देख रहे होते हैं और उस न्यूज में ये भी बताया जा रहा होता है कि कैसे एक वायरस की वजह से सब लोग एक दूसरे को काट रहे थे और सारे शहर में ये वायरस बहुत तेजी से फैलता जा रहा है और कैसे इन जॉम्बीज ने इंसानों का नामो निशान तक नहीं छोड़ा। तभी एक बार फिर एक अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन एक स्टेशन पर रुकेगी और वहाँ आर्मी होगी उन्हें बचाने के लिए। तभी दूसरी तरफ संग सैंग और सोनो एक दूसरे से बातें कर रहे थे और उनके बीच दोस्ती हो जाती है। अगले ही सीन में ट्रेन एक स्टेशन में पहुंच जाती है जहां सारे लोग ट्रेन से बाहर आ जाते हैं जो बहुत डरे हुए थे। तभी वहां योनसो ट्रेन के ड्राइवर से पूछता है कि आर्मी कहां है, मगर ट्रेन ड्राइवर कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अगले सीन में बाकी सब बाहर जा रहे होते हैं और तब तक उन लोगों को पता चलता है कि सारे आर्मी से जॉम्बीज बन गए हैं और जैसे जॉम्बीज उन लोगों को देखते हैं वो उन पर तुरंत अटैक करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक जॉम्बी सोहन में अटैक करने वाला होता है लेकिन एन वक्त में सैंग उसे बचा लेता है। फिर सॉन्ग सो एन को लेकर के वहां से भागने लगती है। तभी एक जॉम्बी शेख को काटने की कोशिश करता है मगर जैसे तैसे वो खुद को बचा लेता है। तभी वो सब एक दरवाजे को बंद करके जॉम्बी को आने से रोकने की कोशिश करते हैं और बाकी लोग वापस ट्रेन में जाने लगते हैं, लेकिन कुछ जॉम्बी शीशा तोड़ करके बाहर आ
आ जाते हैं, लेकिन काफी लोग ट्रेन के अंदर चढ़ चुके होते हैं। दूसरी तरफ सैंग और सिकुओ अभी भी उस दरवाजे को पकड़े हुए थे, लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या ज्यादा होने के कारण दरवाजा टूट जाता है और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से बहुत तेज भागते हैं। अगले सीन में योनसु एक स्टाफ पे दबाव डालने की कोशिश करता है और उसे जल्द से जल्द ट्रेन स्टार्ट करने का ऑर्डर देता है, और दूसरी तरफ सैंग और सिकुओ दौड़ करके ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, लेकिन सैंग छूट जाता है। उसके रास्ते में ढेर सारे ज़ॉम्बीज आते हैं, लेकिन वो उनको मार करके सिकुओ का हाथ पकड़ करके ट्रेन में चढ़ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रेन का ड्राइवर कंट्रोल रूम को फोन करता है और उसे पूछता है कि क्या बुसान जा सकते हैं, तो उसे जवाब मिलता है हाँ बुसान सेफ है। दूसरी तरफ संग और सुवन जहां होते हैं वहां ज़ॉम्बीज मौजूद रहते हैं जो उन पर अटैक करने की पूरी कोशिश करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है सैंग और सिकुओ की तरफ, जहां सैंग संग से बात कर रहा होता है और वो उसे बताता है कि वो बाथरूम में है और उन्हें हेल्प चाहिए। ये सुनने के बाद सैंग और सिकुओ डर जाते हैं और प्लान बनाते हैं कि कैसे अब उन्हें ज़ॉम्बीज को हरा करके उनके पास जाना है। अगले सीन में वो सब ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो सब काफी बहादुरी से उन ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे कि तभी अचानक से ट्रेन किसी टनल में चली जाती है और ट्रेन में अब अंधेरा हो चुका था। अंधेरा हो जाने के कारण ज़ॉम्बीज रुक जाते हैं और यही चीज वो नोटिस कर लेते हैं कि ज़ॉम्बीज उन्हें अंधेरे में कुछ नहीं कर सकते और ना ही उन्हें देख सकते हैं, तो इस चीज का वो लोग फायदा उठाते हैं और चुपचाप सैंग और सुंग के पास चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सब वहां पहुंचते हैं तभी रोशनी आ जाती है, मगर वो लोग दूसरे बाथरूम में छुप जाते हैं। वहां सिकुओ फोन से चेक करता है कि अगला टनल कब आएगा, तब उसे पता चलता है कि अगला टनल बस 2 मिनट में आने वाला है और ये सुनकर के वो लोग निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। और जैसे ही अंधेरा होता है वो सब दूसरे डब्बे में जाने लगते हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे के उस पार कोई दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि वहां योनसु रहता है जो काफी मतलबी रहता है और वो सबसे बार बार यही कह रहा होता है कि ये लोग भी ज़ॉम्बी होंगे, हमें दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। और योनसु की बात मान करके सब उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं और वो सब वहीं उसी डब्बे में फंस जाते हैं। तो सिकुओ और सैंग दूसरे दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि ज़ॉम्बी से वो बच सके। एक तरफ ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ वो लोग भी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच एक ज़ॉम्बी सैंग को काट लेती है। दूसरी तरफ सिकुओ बहुत मेहनत से वो दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन अभी भी दूसरे डब्बे के लोग उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे थे, लेकिन अभी भी सैंग अपनी पूरी ताकत से उस दरवाजे को बंद करने की और अपनी दोस्तों को बचाने की पूरी कोशिश करता है और सिकुओ से कहता है कि तुम बाकी लोगों को लेकर के यहां से चले जाओ, तब तक इन्हें मैं संभाल लूंगा। लेकिन सिकुओ उसे अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसे वहां से जाना पड़ता है। लेकिन संग सैंग को छोड़कर के कहीं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सिकुओ उसे जैसे तैसे ले आता है और उन्हें जाते ही ज़ॉम्बी सैंग पे हमला कर देते हैं। सैंग पूरी कोशिश करता है उन्हें बचाने की, मगर ज़ॉम्बी उसे काट लेते हैं। दूसरी तरफ सिकुओ और बाकी के लोग दूसरे डब्बे में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद सिकुओ योनसु का कॉलर पकड़ता है और उस पे बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसकी वजह से सैंग की मौत हो गई। लेकिन योनसु काफी मतलबी होता है, वो लोगों को भड़काना शुरू कर देता है कि ये लोग भी इन्फेक्टेड है और उसकी बात मान करके सारे लोग उन्हें दूसरे डब्बे में जाने के लिए कहते हैं। सिकुओ और उसके साथ बाकी लोग दूसरे डब्बे में चले जाते हैं और उसे लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ एक औरत काफी उदास होती है क्योंकि उसकी बहन भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी, तो वो इमोशनल होकर के ज़ॉम्बी वाला दरवाजा खोल देती है और जो लोग भी उस डब्बे में थे वो सब ज़ॉम्बी बन जाते हैं और वही लोग बचते हैं जो दूसरे डब्बे में सिकुओ के साथ होते हैं। ये सब देख करके वो लोग काफी डर जाते हैं। और दूसरी तरफ ट्रेन अचानक से रुक जाती है क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक होता है। सीन शिफ्ट होता है और योनसु और एक और आदमी जो बच गए होते हैं वो दोनों बाथरूम में छिपे हुए होते हैं। अगले सीन में ड्राइवर सावधानी बरतते हुए दूसरी ट्रेन में चढ़ता है, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बीज होते हैं, वो देख करके वो वहां से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ सिकुओ और उसके साथ बाकी के लोग भी सावधानी बरतते हुए बाहर आ जाते हैं और तभी दूसरी तरफ ड्राइवर एक दूसरी ट्रेन को लेकर के वहां से निकलता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और योनसु और उस आदमी में जो बाथरूम में फंसे हुए होते हैं और बाथरूम से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन योनसु अपने फायदे के लिए उस आदमी को ज़ॉम्बीज के पास फेंक देता है ताकि उसका रास्ता साफ हो सके और वो वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ एक आग में लिपटी हुई ट्रेन एक दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है, जिससे सिकुओ और उसके साथ बाकी के लोग में से एक लड़का और एक लड़की अलग हो जाते हैं और वो दूसरी ट्रेन में चढ़ जाते हैं, जहां योनसु भी आ जाता है और तभी वो उस लड़की को ज़ॉम्बी के पास फेंक देता है, जिससे वो ज़ॉम्बी उस लड़की को काट देते हैं और योनसु वहां से भाग जाता है। अब वो लड़की एक ज़ॉम्बी बन जाती है और उसके साथ उस लड़के को भी काट देती है। सीन शिफ्ट होता है और सिकुओ और साथ बाकी के लोग जो ट्रेन के खतरनाक एक्सीडेंट में बच जाते हैं वो अब उस ट्रेन के बीच में फंस जाते हैं। दूसरी तरफ वो ट्रेन ड्राइवर एक ट्रेन को लेकर के बचे हुए लोगों को लेने आ रहा होता है और वो दिखता है योनसु जो उसकी तरफ आ रहा था, लेकिन वो गिर जाता है। उसकी मदद करने के लिए वो ट्रेन ड्राइवर उसके पास जाता है, मगर योनसु उसे भी ज़ॉम्बीज की तरफ धक्का देकर के बच जाता है और ट्रेन ड्राइवर एक ज़ॉम्बी बन जाता है। दूसरी तरफ ट्रेन में फंसे हुए सिकुओ और उसके साथ बाकी लोग को एक हाइट दिखता है जिससे बचा जा सकता था, लेकिन ज़ॉम्बी शीशा तोड़ देते हैं, मगर तभी उनमें से एक आदमी ज़ॉम्बीज को रोक लेता है और कहता है
तुम सब जाओ और वो खुद जॉम्बी बन जाता है और सीख वाओ अपनी बेटी और संग को लेकर के दूसरी ट्रेन की तरफ दौड़ता है और बहुत सारे जॉम्बीज उनका पीछा करते हैं और वो तीनों बहुत मुश्किल से ट्रेन में चढ़ जाते हैं लेकिन जॉम्बीज अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। लेकिन सीख वाओ फाइनली उन्हें वहां से भगा देता है। जब वो लोग ट्रेन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तभी वहां योनसाओ मौजूद रहता है जो अब एक जॉम्बी बन चुका था। वो उनकी तरफ आने की कोशिश करता है मगर वो अभी एक पूरा जॉम्बी नहीं है। वो सीख वाओ से कहता है कि उसे घर जाना है, उसकी माँ उसका वेट कर रही है। लेकिन सीख वाओ उसे कहता है कि तुम इन्फेक्टेड हो। ये सुनकर के योनसाओ सीख वाओ पर हमला कर देता है। सीख वाओ उसे वहां से फेंकने की पूरी कोशिश करता है लेकिन आखिरी में योनसाओ सीख वाओ को काट ही लेता है। तभी सीख वाओ जल्दी से उसे फेंक देता है और अब उसे समझ आ गया था कि अब वो भी जॉम्बी बनने वाला है। पर इससे पहले वो जॉम्बी बने वो सोहान और सोंग को ट्रेन का इंस्ट्रक्शन समझाता है। सोहान बहुत रोती है और वो उसे कहता है संग के साथ रहना सब ठीक हो जाएगा और वो ट्रेन के बाहर खड़ा हो जाता है। ये एक बहुत इमोशनल सीन होता है। मरने से पहले सीख वाओ उस दिन को याद करता है जिस दिन उसने पहली बार सोहान को गोद में उठाया था और हम यहाँ देखते हैं कि सीख वाओ ट्रेन से कूद करके अपनी जान ले लेता है। संग और सोहान अब काफी दूर आ गए थे और अब सामने रास्ता बंद होता है तो संग ट्रेन रोक देती है और सोहान को लेकर के बाहर जाती है और वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और वो दोनों काफी डरे हुए थे। सामने आर्मी फोर्स थी। वो सोहान और संग को देख करके उन्हें जॉम्बी समझकर शूट करने वाले थे कि तभी सोहान गाना गाती है और ये गाना अपने पापा की याद में गा रही होती है और गाना सुनकर के आर्मी वाले समझ जाते हैं कि ये दोनों ठीक है और उन्हें बचा लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ट्रेन टू बुसान मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और अगर आपको मेरी ट्रेन टू बुसान मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।